क्या प्रेगनेंसी में कॉफी और चाय पीने से बच्चे का रंग होता है काला? प्रेगनेंसी का समय हर महिला के लिए बेहद खास होता है। अधिकतर सभी लोग यह सलाह देते हैं कि प्रेग्नेंट महिला को अपना सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा सेहतमंद बना रहे। खाने पीने संबंधित बहुत सी सलाह प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को दी जाती है। प्रेगनेंसी को लेकर काफी भ्रांतियां भी हैं, जिनमें से एक मिथ ये भी है कि चाय या कॉफी का सेवन अगर प्रेग्नेंट महिला अधिक मात्रा में करती है तो उसका बेबी काला पैदा होता है। तो चलिए जानते हैं कितनी सच्चाई है इसमें। सैंडर्स का दावा, क्या वास्तव में गर्भावस्था के दौरान नहीं करना चाहिए चाय या कॉफी का सेवन? प्रेगनेंसी को लेकर एक सबसे बड़ा मिथ है, और वो मिथ ये है कि गर्भावस्था के दौरान चाय या कॉफी पीने से बच्चे का रंग काला होता है। पर आपको बता दें कि यह मिथ पूरी तरह से गलत है। खाने पीने का प्रभाव बच्चे की सेहत पर तो पड़ता है, पर बच्चे के रंग पर बिल्कुल नहीं पड़ता। बच्चे का रंग वैसा ही होगा जैसे कि उनके माता पिता का रंग है। हाँ, यह बात सही है कि प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा मात्रा में कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए। जितना कम हो सके उतना कैफीन का सेवन करना चाहिए। तो क्या चाय और कॉफी प्रेगनेंसी के दौरान फायदा करती है? तो इसका जवाब होगा नहीं। गर्भवती महिला थोड़ी मात्रा में चाय कॉफी का सेवन कर सकती है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। यह गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। चाय या कॉफी में कैफीन तो होती ही है, साथ साथ एल्थाइनिन और थाइलोफाइलिन नामक तत्व भी उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। अधिक चाय और कॉफी के सेवन से गर्भावस्था के दौरान ज्यादा भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से गर्भवती महिला ज्यादा खाना नहीं खा पाती और इसका असर बच्चे की सेहत पर पड़ सकता है। चाय या कॉफी का सेवन अगर जरूरी हो तो दिन में 2 से 3 बार से ज्यादा इनका सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान जो महिलाएं चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहती, वे हर्बल टी का सेवन कर सकती हैं, जो न सिर्फ उनकी सेहत के लिए बल्कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत के लिए भी लाभकारी होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, किसी भी चीज का सेवन करने से पूर्व पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें।